क्वेश्चन नंबर 40, सीता इज द नीस ऑफ अशोक। ओके, नीस क्या होता है? अगर फीमेल साइड जाओगे तो भांजा भांजी, मतलब आपकी मदर के या तो ब्रदर होगा आपके मामा, या फिर आपकी मौसी, मतलब आपकी मदर की सिस्टर, तो ये हो गया मौसी, आपके मामा या मौसी, उनके आप क्या लगोगे? नेफ्यू नीस लगोगे। और फादर की साइड क्या हो जाता है? आपके अंकल्स जितने भी होते हैं, अपने जितने भी अंकल आंट्स हैं ना आपके, आप उनके आप नेफ्यू नीस लगोगे। तो फादर की साइड देखोगे तो आपके चाचा ताऊ, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके अंकल्स हो जाएंगे ना, फादर के ब्रदर सिस्टर्स। ऐसे ही सिस्टर में आप बोल सकते हो नी बुआ, उनके भी आप नेफ्यू नीस लगोगे। ठीक है, तो जो अगर मान लो जो भी आपका अंकल लग रहा है उसे आपको क्या बोलना होगा? वो आपको बोलेगा नेफ्यू नीस, मेल हो तो नेफ्यू, फीमेल हो तो नीस। ओके, तो क्या लिखा है? सीता इज द नीस ऑफ अशोक। तो देखो अशोक मान लो यहाँ पे है, तो उसकी नीस है, मतलब अशोक का ब्रदर या सिस्टर कोई भी होगा, मैं इसमें B/S लिख देता हूँ, ब्रदर सिस्टर, उसकी डॉटर होगी सीता, तब जाके अशोक की नीस बनेगी सीता, है ना। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, अशोक की मदर कौन है? लक्ष्मी। कूल कूल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर, कल्याणी क्या है? वो लक्ष्मी की भी मदर है। ओके, यहाँ बना दो ये सब, बाकी नाम से जज कर ही सकते हो। कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल, ये है गोपाल। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, पार्वती मदर इन लॉ है गोपाल की, मतलब गोपाल की वाइफ की भी मदर है। ओहो, तो ज़्यादा ही बड़ा नहीं बना दिया हमने। पार्वती, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? सीता और गोपाल कर ले, ओहो सीता और गोपाल, हाँ ये रिलेशन बताना है। तो सीता के फादर की मदर, मतलब सीता की ग्रैंड मदर, उसकी भी मदर है ना, उनके हस्बैंड, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर है गोपाल, सीता के ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो सीता क्या हो गई? गोपाल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, दैट इज सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।